हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम 3x² - 4√3x + 4 = 0 समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ये हमारा जो दिया गया समीकरण है इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसका और जो आपका लास्ट का अचर पद, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, पहले समीकरण को ऐसे व्यवस्थित करना है, एक्स स्क्वायर का पद, एक्स का पद और लास्ट में अचर पद। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, अचर पद कितना है, 4, गुणा किया कितना आ गया, 12। ठीक है, अब देखिए इस 12 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर या पहले गुणा करने पर लिख देते हैं कितना आना चाहिए, ये 12 खुद आना चाहिए, और इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जो x का गुणांक है कितना है, 4√3। ओके, तो देखिए 12 के टुकड़े करता हूँ मैं, तो 12 के टुकड़े क्या होंगे, 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 3। अब देखिए चूंकि यहाँ अंडरूट 3 आ रहा है, इसीलिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अब देखिए 2√3, एक ये फैक्टर ले लेते हैं और दूसरा फैक्टर ले लेते हैं, ये 2 और ये √3। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 4√3 आ रहा है, यह पड़ा हमारा 4√3, इसकी जगह हम आसानी से लिख सकते हैं। और यदि इनका हम गुणा करेंगे तो वापस आपका 12 आएगा, क्योंकि 3√3 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 कितना आएगा, 12 आएगा। यानी यह जो 4√3 हैं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं। तो देखिए 3x², ये माइनस है तो इनके साथ भी आपका माइनस आ जाएगा, 7 में x। ठीक है, प्लस का 4 = 0। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों से बाहर कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए 3 का मतलब क्या है, √3 × √3, तो √3 बाहर कॉमन लेंगे और साथ में आपका x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x बाहर कॉमन आ गया, इससे √3 बाहर कॉमन चला जाएगा, तो पीछे क्या आ गया, √3 और साथ में x है। यहाँ से √3 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, तो आपके पास 2 बच गया। यहाँ से बाहर क्या ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ √3x प्लस का है, लेकिन यहाँ यदि 2 बार जाएगा तो प्लस का 2 बार लेते हैं तो माइनस का रहेगा, हमें ऐसा नहीं करना है। यानी पहला पद हमें प्लस का चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से माइनस का है, तो इसका चिन्ह बदलना होगा। चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस की संख्या बाहर ले लेते हैं, जिससे अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का है, यहाँ क्या आ गया, प्लस का √3x, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 2 का भाग दिया 4 में कितना आता है, 2 आता है, −0 आ गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ भी आपका सेम है, यहाँ भी सेम है दोनों जगह, तो इसको हमने फिर बाहर कॉमन ले लिया, √3x - 2 बाहर कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया, √3x और ये −2 = 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले इसको 0 लेते हैं, यहाँ से आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, 0 लेते हैं, यहाँ से भी x का मान कितना आ गया, 2√3 हम लिख देंगे। अंततः समीकरण के मूल हमें क्या मिल गए, 2√3 है। ठीक है, तो इस तरीके से है जो हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ।